इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन बॉयज है जो कि एक हॉरिजेंटल पे रखा हुआ बॉक्स है उसको हॉरिजेंटली धक्का दे रहे हैं। उसमें से फर्स्ट बॉय जो भी है उसने धक्का दिया इसको किधर, नॉर्थ साइड, कितने फोर्स से है, 5√3 न्यूटन से। सेकेंड बॉय जो भी फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है, ईस्ट की तरफ लगा रहा है। थर्ड बॉय जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड दिया गया 10 न्यूटन। हमको पूछा गया कि सेकेंड बॉय ने जो फोर्स लगाया वो कितना है अगर से बॉक्स कैसा है इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट फोर्स कितना होता है, 0। तो हमको सेकेंड वाले का डायरेक्शन दिया है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है। थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन सेकेंड वाले का हमको मैग्नीट्यूड ढूंढो बोला है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये हमारा बॉक्स है बल्कि मान लेते हैं, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो फर्स्ट बॉय ने ए बॉक्स फर्स्ट वन इज, यानी ये फर्स्ट बॉय किधर धक्का दे रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, कितने न्यूटन से, 5√3 न्यूटन बराबर। सेकेंड वाला इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, हमको नहीं पता है कितना दे रहे हैं, तो हम मान लेंगे एफ। थर्ड वाला कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। ऐसे लगाया हुआ है फोर्स कि तीनों फोर्सेस की वजह से हमारा जो बॉक्स है ये हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब बॉक्स को नहीं चलने देना है। तो फोर्स कुछ ऐसे डायरेक्शन में मान देते हैं, है ना, तो ये वाला कुछ एंगल थीटा मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमको पता है, क्लियर। तो अब नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है बॉक्स के ऊपर, तो हमको एफ की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर से हमें ये जो 10 है इसके अगर कंपोनेंट कर लूं, तो इससे रहेगा 10 cos थीटा और इससे रहेगा 10 sin थीटा। तो ये वाला अभी नहीं रहा क्योंकि इसको ही तोड़ के मैंने 10 cos थीटा और 10 sin थीटा बना दिया। अब ये बॉक्स ना तो ऊपर जा रहे ना तो नीचे, इसका मतलब 5√3 = 10 cos थीटा के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख दू 10 cos थीटा = 5√3। तो cos θ = √3/2, दिस मीन्स θ = 30 डिग्री, यानी कि इस साइड से ये कितने एंगल पे लग रहा था, 30 डिग्री पे लग रहा था, तो हमको थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन भी पता चल गया। तो यहां से 10 sin θ किसके बराबर, एफ के बराबर, 10 sin θ = f, दैट इज 10 × 1/2 = f। सो एफ मीन्स 5 न्यूटन, यानी कि जो सेकेंड बॉय ने धक्का दिया ईस्ट की तरफ कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर होगा, नोट करिए। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो एक